नमस्कार दोस्तों, मैं जितेन नाथ अपने YouTube चैनल जितेन टेस्ट सीरीज हॉट टिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित एक बेहतरीन ट्रिक आपके बीच लेके आया हूं। दोस्तों, प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था जो भारत में केरल के मालाबार तट पर कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी में पहुँचा था। 1505 ईस्वी में पुर्तगाल का शासक एमैनुअल प्रथम ने भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्मोडा को गवर्नर बना के भेजा। वहीं अल्मोडा ने वाटर पॉलिसी अपनाई थी जिसके तहत अपनी सामुद्रिक शक्ति को बहुत ही मजबूत कर लिया। अल्मोडा 1509 में भारत से चला गया और उसके स्थान पर अगला पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क भारत आया। अल्बुकर्क ने ही 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा। सन 1962 ईस्वी में भारत का इस पर अधिकार हो पाया। चलिए दोस्तों, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से संबंधित जितने भी यूरोपियन है उसको याद रखने के लिए एक बेहतरीन ट्रिक है, पुत्र के अड्डा पर डैड फंसा। पू से पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, ड से डच, ड से डैनिश, फ से फ्रांसीसी, स से स्वीडिश। पुर्तगाली जो 1498 ईस्वी में आया, अंग्रेज 1600, डच 1602, डैनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1498 पुर्तगाली जो पहले भी बताए कि वास्को डी गामा आया था कालीकट बंदरगाह पर, जिसे वहां के शासक जमोरिन ने स्वागत किया था। अंग्रेज भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली मान्यता प्राप्त व्यापारी कोठी की स्थापना 1611 ईस्वी में मसूली पटनम में किया गया। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारी कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया, असफल रहे। वहीं भारत में 1608 में सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंग्स मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था, जिसे व्यापारिक मान्यता नहीं मिला। वहीं 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम का ही एक राजदूत सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया, जिससे जहांगीर प्रभावित होकर कुछ व्यापारिक छूट उन्हें दे दी। जहांगीर के शासनकाल में कई अंग्रेज आए थे, जिसको याद रखने के लिए यदि आप ट्रिक हॉट मैसेज याद रखते हैं, हो से हॉकिंग्स, ट से टॉमस रो, जो अभी हम लोग जाने हॉकिंग्स के बारे में, और टॉमस रो एक था मैंड्रिक मैसे मैनरिक, एक था सद्रिक। दो याद रखेंगे हम लोग, हॉकिंग्स और सर टॉमस रो। वहीं भारत में फ्रांसीसी कोठी सर्वप्रथम फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन नामक व्यक्ति ने पांडिचेरी की स्थापना किया था। दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।